इंटीग्रेट इट, एड विंस टू योर करियर। एमसीक्यूज आप सबके सामने, जहां राठौर राजवंश से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है राठौर राजवंश से संबंधित 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ में सर्वाधिक कृष्ण भक्ति का प्रभाव किन के शासनकाल में पड़ा? और ये जो आपको करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी, भगत सिंह, अजीत सिंह, विजय सिंह या जसवंत सिंह, इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपको याद रखना है, विजय सिंह। विजय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ में सर्वाधिक कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा। तो विजय सिंह के साथ साथ आप ये फैक्ट भी याद रखें कि जब विजय सिंह शासक थे उस समय जब कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ेगा तो मारवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र जो है वो भी विजय सिंह के शासनकाल में ही बनाए गए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में जोधपुर का नामकरण किन के शासनकाल में हुआ? जो वर्तमान मारवाड़ जो था पहले राठौर रियासत का, उसका नामकरण जोधपुर किसके शासनकाल में हुआ ये आपको बताना है। तो याद रखना आपको मित्रों की राव जोधा ने तो 1459 में जो जोधपुर नगर बसाया था, जोधपुर नगर के संस्थापक पूछे तो राव जोधा हो जाएगा। पर यहाँ आपसे पूछा गया कि जोधपुर का नामकरण इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, तो आपको बताना है इसका उत्तर करेक्ट जो है वह उमेश सिंह के शासनकाल में इनका नामकरण जो है जोधपुर किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको बताना है, मारवाड़ का अबुल फजल उपनाम से किसे जाना जाता है? श्यामल दास को, दुर्गा दास को, मनोत नैन सिंह को, जसवंत सिंह को? यहाँ जो आप याद रखें उत्तर करेक्ट इसका वो हो जाएगा मनोत नैन सिंह को। मनोत नैन सिंह मारवाड़ के ऐतिहासिक इतिहासकार रहे, जिनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आप याद कर सकते हैं। एक दो प्रश्न सरल सरल से आप याद रखें कि मनोत नैन सिंह जो थे उन्होंने राठौड़ को सूर्यवंशी कहा। नैन सिंह द्वारा लिखी गई रचनाएं डिंगल भाषा में थी, डिंगल भाषाओं में मुख्य रचनाएं जो थी इनकी, उनमें दो नाम आप याद रखें, मारवाड़ रे परगनारी विगत और एक है मारवाड़ रे राठौड़ारी ख्यात। दो इम्पोर्टेंट रचनाएं इनकी रहती हैं, बहुत बार पूछी जाती है, आप याद रखें। और इन्हें ही जो है मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे ये, और जीवन में इन्होंने आगे जाकर आत्महत्या भी कर लेती। आप प्रश्न पूछ ले कि वो इतिहासकार जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो वो मनोत नैन सिंह भी थे। नैन सिंह का एक फैक्ट आप ये भी याद रखें, तो जो जालौर का कीर्तिपाल आप पढ़ते हैं, जालौर में सोनकराज चौहान राजवंश के संस्थापक जो है कीर्तिपाल के बारे में इन्होंने कहा था कि तू एक महान राजा, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं हर प्रश्न के साथ साथ जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उम्मीद है वीडियो आप सबके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा मनोत नैन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको बताना है, अपरोक्ष सिद्धांत सार नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा? मित्रों यहाँ आप बताएं, श्यामल दास ने लिखा, दुर्गा दास ने लिखा, नैन सिंह ने लिखा या जसवंत सिंह ने लिखा? मित्रों याद रखना इसका जो उत्तर है वो जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अपरोक्ष सिद्धांत सार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता जो है वो माना जाता है राव जोधा को। आप सभी जानते हैं, सरल सा प्रश्न है, लगभग 1459-1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। नींव जो है वो करणी माता द्वारा रखी गई थी, और राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसके निर्माण के समय एक मनुष्य की बलि दी गई थी, वो दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ ही है। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माता है वो राव जोधा, आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी जो एक फैक्ट आप याद रखें कि जो है गिरिदुर्ग चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है, अलग अलग उपनामों से भी जाना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग को जो है चिड़िया टूक गढ़ भी कहा जाता है, इसको सूर्यगढ़ भी कहा जाता है, इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, इसको गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, ये सारे अन्य नाम भी मिलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के। आगे और विस्तार से वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेहरानगढ़ का एक मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है निम्न में से किस शासक का राज्याभिषेक सोजत में हुआ? यहाँ आपको बताना है सावन सिंह है उत्तर, उमेश सिंह है या मालदेव है या गज सिंह है? तो आप सभी जानते हैं जो मालदेव हैं उनका जो राज्याभिषेक है वो सोजत में हुआ था। मित्रों मालदेव का राज्याभिषेक सोजत में हुआ। मालदेव के बारे में फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक भी कहा। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, और मारवाड़ में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार भी मालदेव के शासनकाल में रहता है। और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मध्यकालीन मारवाड़ का जो स्वर्ण काल है वो भी मालदेव का माना जाता है। तो मालदेव का जो आप करेक्ट उत्तर याद रखें कि मालदेव का जो राज्याभिषेक है
वो सोजत में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बताना है आपको, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी? राठौड़ राजवंश की जो आराध्य देवी है मित्रों, वो मानी जाती है चामुंडा माता। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो चामुंडा माता, याद रखें, जिनका मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। चामुंडा माता जो है, इनके मंदिर से जुड़ी एक घटना ये भी याद रखें कि लगभग 2008 में एक हादसा हुआ था चामुंडा माता मंदिर में, भगदड़ मच जाती है, काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। और इस हादसे की जांच के लिए एक जांच आयोग भी गठित हुआ था, जसराज चोपड़ा आयोग, नाम आप याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है, जसराज चोपड़ा आयोग जो है वो गठित हुआ था इस हादसे की जांच के लिए, और वो हादसा भी चामुंडा माता मंदिर में ही हुआ था। तो यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, एक तो प्रश्न बनता है कि आराध्य देवी कौन सी है, एक और पूछा जाता है कि कुल देवी कौन सी है। तो यहाँ पर राठौड़ राजवंश के आपसे आराध्य देवी पूछी गई है, तो आराध्य देवी तो जो है चामुंडा माता है, पर आपसे अगर कुल देवी पूछ ले तो याद रखना कुल देवी जो है वो नागणेची माता जो है राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, और जिनका मुख्य मंदिर नगणा धाम बाड़मेर में है, नगणा गांव जो है बाड़मेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है नागणेची माता का, जो कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, और चामुंडा माता जो है वो की आराध्य देवी है, जिनका मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर मित्रों होगा चामुंडा माता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, वह राठौड़ शासक जिनका निधन मुगल दरबार में हुआ, और आपको बताना है अमर सिंह है, उमेद सिंह है, मालदेव है या गज सिंह है। इसका मित्रों जो करेक्ट उत्तर होगा वो आप याद रखें अमर सिंह होगा। अमर सिंह के शासनकाल में जो आप घटना याद करते हैं, एक मतिरेरी राड़, वही अमर सिंह नागौर के शासक थे जिनका निधन जो है मुगल दरबार में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 आपने याद किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको बताना है, गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ? तो जनवरी 1540 में, फरवरी 1540 में, जनवरी 1544 में या फरवरी 1544 में? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा मित्रों वो आप याद रखें जनवरी 1544 में इसका युद्ध आप याद रखें, गिरि सुमेल का युद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है। और शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच युद्ध हुआ था ये, जिसमें शेरशाह सूरी को ये भी कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, और काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध रहता है। मालदेव की सुमेल की पराजय रहती है, और इस युद्ध के विजय के बाद शेरशाह सूरी ने मारवाड़ क्षेत्र विशेष के लिए अपने दो प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, एक तो नाम आप याद रखें खवास खा, और एक नाम याद रखें आप ईसा खा। ये दो नाम हैं जो आप याद कर सकते हैं, साथ साथ इम्पोर्टेंट नाम है, जिनको शेर ससुरी ने नियुक्त किया। हालांकि एक साल बाद में मालदेव वापस मारवाड़ जीत लेते हैं और सारी घटनाएं हैं। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो जनवरी 1544 गिरि सुमेल का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है मारवाड़ का प्रताप उपनाम से कौन जाना जाता है, और उदय सिंह उत्तर है या मालदेव है, चंद्रसेन है या रावजोधा? तो इसका जो मित्र उत्तर होगा वो होगा रामचंद्र सेन। मालदेव का पुत्र है रामचंद्र सेन, और इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, इन्हें विस्मृत नायक भी कहा जाता है, इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया मुगलों से, वैसे के वैसे मारवाड़ में संघर्ष करने वाला व्यक्ति है उनका नाम है रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आप याद कर सकते हैं, उपनाम बहुत बार पूछे जाते रहते हैं, ये सारे उपनाम आपने याद किए और रावचंद्र सेन इसका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक इतिहासकार का नाम आप याद कर सकते हैं, पंडित विश्वनाथ रेऊ, ये जो इतिहासकार है इन्होंने महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन की तुलनात्मक अध्ययन किया था, बहुत बार पूछा जाता है, आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के इतिहास की एकमात्र महासती उपनाम से प्रसिद्ध है कौन है मित्रों? तो सहल कवर है या उमा दे है या रूपा दे है या बागेली? तो मित्रों जो इसका उत्तर होगा वो आप याद रखें उमा दे। उमा दे जो है इतिहास में, जो कि जैसलमेर के लूणकर्ण भाटी की पुत्री है, भटियाणी रानी है, इनका विवाह मालदेव के साथ हुआ था, और मालदेव से विवाह के उपरांत ये रूठ जाती है, और रूठने के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग छोड़कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग चली जाती है। इतिहास में इन्हें रूठी रानी उपनाम से भी जाना जाता है, और इतिहास की एकमात्र महासती भी इन्हें कहा जाता है, और ये जो उत्तर हो जाएगा इसका उमा दे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको बताना है पहोबा का युद्ध कब हुआ? पहोबा का युद्ध आपको बताना है मित्रों 1541 में हुआ, 42 में हुआ, 38 में हुआ, 40 में हुआ? याद रखें 1541 में युद्ध हुआ था पहोबा का युद्ध, जहां मालदेव के दो सेनापति जैता और कुंपा और बीकानेर के शासक राव जयसिंह के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राव जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, युद्ध में राव जयसिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं, मारवाड़ के मालदेव युद्ध को जीत लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में, उदयपुर में, उज्जैन में या आगरा में? मित्रों आप याद रखें, उज्जैन में दुर्गादास राठौर की जो छतरी है वो है उज्जैन के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? यहाँ 14वां जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा गया मारवाड़ का, या अगर राजस्थान होता मित्रों, कि राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो याद रखना बार्मल उत्तर होता। पर यहाँ पूछा गया मारवाड़ में, अगर मारवाड़ में पूछा गया है तो मालदेव है या गांगदेव है या रणमल है या मोटा राजा उदय सिंह? मित्रों जो है इसका उत्तर याद रखना मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह जो है ये मालदेव का ही पुत्र है, और मालदेव का ही पुत्र मोटा राजा उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला शासक है, और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी शासक है। इसका उत्तर जो मित्रों उदय सिंह होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां आपकी स्क्रीन पर। मारवाड़ की पन्नाधाय, मारवाड़ की पन्नाधाय मित्रों याद रखना, पन्नाधाय वैसे मूलतः मेवाड़ की है, और अपने पुत्र चंदन की बलि देकर इन्होंने उदय सिंह को बचाया था। वैसे कि वैसे यहाँ पर मारवाड़ की पन्नाधाय उपनाम से पूछे आपसे, तो याद रखना गौराधाय, गौराधाय जो है वो मारवाड़ की पन्नाधाय कहलाती है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैता व कुंपा, हमने भी याद किया पहुबा का युद्ध सरल सा, और वहां हमने याद किया मालदेव के दो सेनापति थे जैता और कुंपा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा मित्रों जैता और कुंपा जो है वो मालदेव के सेनापति थे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देबारी समझौता, देबारी समझौता मित्रों राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण समझौता रहता है। इस समझौता के तहत जयपुर में, सॉरी जो आमेर का इतिहास हम कछुआ राजवंश पढ़ते हैं, कछुआ राजवंश और मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ और आमेर के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, और मारवाड़ का शासक जो है वो अजीत सिंह को स्वीकार कर लिया जाता है। ये दो घटनाएं रहती हैं महत्वपूर्ण घटनाएं समझौता के तहत। और ये जो देबारी समझौता है मित्रों वो 1708 में हुआ था, याद रखें, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है 1708 इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, आवड़ बावड़ संधि। आवड़ बावड़ संधि के तहत तीन चार चीजें हुई, आप याद रख सकते हैं। इस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ का जो सीमा का निर्धारण हुआ था, इस संधि का जो मूल केंद्र माना गया था वो केंद्र माना गया था सोजत। आपसे पूछते हैं आवड़ बावड़ संधि का जो ओरिजिन है वो कौन सा माना गया क्षेत्र, तो सोजत वाला जो क्षेत्र है वो ओरिजिन माना जाता है, इसका मूल केंद्र माना जाता है। इस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। इस जब संधि हुई उस समय मारवाड़ के तत्कालीन शासक थे राव जोधा, और मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे राणा कुंभा। इन दोनों के बीच ये संधि हुई थी, और संधि करवाने में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो हंसाबाई का रहता है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट उत्तर होगा मित्रों वो होगा हंसाबाई, हंसाबाई ने संधि करवाई थी आवड़ बावड़ संधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19वां जो है, बटनेर का युद्ध कब हुआ मित्रों? आपसे पूछ ले तो याद रखना बटनेर का जो है 1534 में हुआ, बटनेर का युद्ध 1534 में हुआ था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है बटनेर का युद्ध कब हुआ, सरल सा है 1534 में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20वां जो है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? सरल सा है, आराम से याद कर पाएंगे। बीकानेर का जो इतिहास हम पढ़ते हैं वहाँ एक शासक का नाम पढ़ते हैं कल्याणमल, जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और शेरशाह सूरी की भी अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने। तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला जो शासक है वो कल्याणमल है, ये राव जयसिंह का ही पुत्र है कल्याणमल, जो कि अधीनता स्वीकार करता है शेरशाह सूरी की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। स्टेटमेंट दे रखे हैं दो आपको बताने हैं, कि पहला कथन है इतिहासकार मनोज नैण सिंह ने राठौड़ों का आगमन जो है वो कन्नौज से माना, और नैण सिंह ने राठौड़ों को चंद्रवंशी माना। अब नैण सिंह के बारे में हमने जाना है कि नैण सिंह जो जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि राठौड़ों का जो आगमन है, नैण सिंह के अनुसार ये भी मत मिलता है कि नैण सिंह मानता है कि राठौड़ जो है वो जयचंद गढ़वाल की संतान, राव सिया जो कि मूल पुरुष रहा राठौड़ राजवंश का, वो जयचंद गढ़वाल का ही वंशज है। तो जो गढ़वाल वंश है वो मूलतः कन्नौज के थे। इस प्रकार राठौड़ों का आगमन कन्नौज से माना गया है, ये फैक्ट है। ये जो है लाइन, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट हम जो पढ़ते हैं, दूसरा कथन, कि राठौड़ों को चंद्रवंशी माना। हम सभी जानते हैं कि राठौड़ों को जो सूर्यवंशी बताया गया, नैण सिंह ने कहा था कि राठौड़ सूर्यवंशी है, ऐसा मत नैण सिंह ने दिया था। तो ये चंद्रवंशी वाला मत है, ये मत गलत हो जाएगा और पहला कथन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, कथन एक सही, दो सही, दोनों सही या दोनों गलत, मित्रों इसका जो उत्तर होगा वो कथन एक सही। यहाँ पर जो है वो कथन एक जो है इसका
करेक्ट उत्तर होगा मित्रों, केवल एक सही है स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 वाला जो है आपको बताना है। डिंगल का हेरोस उपनाम से कौन जाना जाता है? बीकानेर के इतिहास हम सब जानते हैं, डिंगल भाषा में रचनाएं लिखने वाले जो पृथ्वीराज राठौड़ है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणी री गागरों दुर्ग में बैठकर, डिंगल भाषा की साहित्यिक रचना रहती है इनकी, और यही जो पृथ्वीराज राठौड़ है इन्हें डिंगल का हेरोस उपनाम से भी जाना जाता है, इन्हें पीथल उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो रचना लिखी उन्होंने दो पात्र माने थे, पाथल और पीथल। पाथल माना था महाराणा प्रताप को और पीथल उन्होंने खुद को माना था, तो पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल भी कहा जाता है और डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है मित्रों, दो नाम आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो पृथ्वीराज राठौड़। क्वेश्चन नंबर 23वां जो है आपको बताना है, मरुकेसरी उपनाम से जो है प्रसिद्ध कौन है? तो मरुकेसरी उपनाम से मित्रों याद रखना आप जो है वो दुर्गादास राठौड़ जो है, इन्हें मरुकेसरी कहा जाता है, मरुकेसरी दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का अण बिंदी या मोती बिंदी कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। इनकी छतरी जो है दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन में, याद रखना मित्रों, सिप्रा नदी के किनारे। और अजीत सिंह को जेल से बाहर निकालने में सबसे बड़ा योगदान इनका रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलता है, इसका उत्तर होगा दुर्गादास राठौड़। कर्णभूषण जो है वो रचना किसने लिखी थी? 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो बताना है आपको, सदाशिव भट्ट ने लिखी थी, अमर सिंह ने लिखी थी, या गंगानंद मैथिली ने लिखी थी, या कृष्ण सिंह ने लिखी थी? मित्रों कर्णभूषण जो रचना है ये जो है लिखी गई थी गंगानंद मैथिली द्वारा, याद रखना मित्रों, गंगानंद मैथिली जो है इन्होंने लिखी थी रचना कर्णभूषण। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मतिरेरी राड़ जो है वो युद्ध कब हुआ आपसे पूछा जाए, तो बताना है 1644 में हुआ, 1544 में हुआ, 1540 में हुआ, या 1541 में हुआ? मित्रों आराम से याद रखें आप जो है इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं। तो पढ़ते हैं कि एक तो बीकानेर का शासक कर्ण सिंह थे और दूसरा नागौर के शासक अमर सिंह थे, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, राड़ हुई, मतिरेरी राड़, ये घटना 1644 की है मित्रों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। दल थम्मन की उपाधि, 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दल थम्मन की उपाधि किस राठौर शासक की? जसवंत सिंह की है, अजीत सिंह की है, गज सिंह की है, या बखत सिंह की है? मित्रों ये जो उपाधि है दल थम्मन की उपाधि आपसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो मित्रों करेक्ट उत्तर होगा वो याद रखें गज सिंह की। गज सिंह को जो है ये दल थम्मन की उपाधि आप याद रखें, गज सिंह को दी गई जहांगीर द्वारा, दल थम्मन की उपाधि से नवाजा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बीकानेर का वह शासक जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की, ये इसी के साथ सहायक संधि करने वाले जो राजा हम पढ़ते हैं, तो वहाँ मित्रों याद रखना आपको सूरज सिंह, इसलिए सूरज सिंह राजा थे बीकानेर के, जिन्होंने EIC के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियाँ की। मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, शुक्र तालाब कहाँ पर है? शुक्र तालाब मित्रों आप सभी जानते हैं तालाब जो है, जब नागौर दरबार हम पढ़ते हैं तो मुगल शासक अकबर द्वारा इस तालाब का निर्माण करवाया गया था, और नागौर का जो दरबार लगाया था 1570 में, उस समय अकबर ने इस दुर्ग का जो है इस तालाब का निर्माण कराया था। तो शुक्र तालाब कहाँ हो जाएगा मित्रों? नागौर में हो जाएगा, इसका जो करेक्ट उत्तर है वो नागौर। अगला प्रश्न 29वां आपको बताना है, मारवाड़ पर आक्रमण हेतु भेजा गया अकबर का पहला सेनापति कौन था? मारवाड़ पर आक्रमण हेतु जब अभियान भेजा गया उससे पीछे की थोड़ा घटना पढ़ना चाहे, जो नागौर दरबार बुलाया गया था 1570 में, वहाँ मारवाड़ का शासक था रावचंद्र सेन, जो नागौर दरबार में तो गया पर बिना अधीनता स्वीकार किए वापस आ जाता है, और अकबर के क्रोध का जो है वो स्वीकार हो जाता है, और अकबर जो अटैक करने के लिए मारवाड़ भेजता है पहला सेनापति, उसमें किसको भेजा गया था? सलामत खां को भेजा गया था, हुसैन कुली खां को भेजा था, या शाहबाज खां को भेजा था, या जफर का भेजा था? मित्रों इसका जो उत्तर आप याद रखें, मारवाड़ पर जो है अटैक करने के लिए अकबर ने जो भेजा अपना सेनापति उसका नाम ऑप्शन बी आप याद रखें, हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां को भेजा था मित्रों, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा हुसैन कुली खां। अगला प्रश्न, हुसैन कुली का एक फैक्ट आप ये भी याद रखें, जब हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ का तीसरा ऐतिहासिक शाखा, जब तीसरा ऐतिहासिक शाखा जो हुआ उस समय मेवाड़ के अंदर मित्रों उदय सिंह जो राजा था मेवाड़ का, उस समय उदय सिंह युद्ध स्थल से भाग जाते हैं, उस समय उदय सिंह के पीछे भी इसी हुसैन कुली खां को भेजा था। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लालगढ़ पैलेस का निर्माण जो है वो किसने करवाया? लालगढ़ पैलेस आप सभी जानते हैं बीकानेर, और इसका जो निर्माण मित्रों किसने करवाया? तो याद रखना मित्रों गंगा सिंह ने कराया इसका निर्माण,
इसका जो उत्तर होगा वो होगा गंगा सिंह, करेक्ट। सूरज सिंह नहीं है, अनूप सिंह नहीं है, राय सिंह भी नहीं है, और गंगा सिंह इसका जो करेक्ट उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर, किशनगढ़ चित्र शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? मित्रों याद रखना, किशनगढ़ चित्र शैली जो है इसका सर्वाधिक विकास जो है सावन सिंह के काल में हुआ। सावन सिंह के शासनकाल में चित्र बनाया गया था बड़ी ठणी, वो किशनगढ़ चित्रकला का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र भी माना जाता है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा गया। और ये बड़ी ठणी चित्र इसी सावन सिंह के शासन के समय बनवाया गया था। मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था, दरबार चित्रकार थे। और यही सावन सिंह जो है इनका एक अन्य नाम भी मिलता है, इनको नागरीदास भी कहा जाता है। और सावन सिंह की छतरी, ये भी मित्रों याद रखना, सावन सिंह की जो छतरी है वो वृंदावन में है। वृंदावन आप याद रखें, सावन सिंह की जो छतरी है वो वृंदावन में है, फैक्ट आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। मित्रों मारवाड़ में दो पितृहंता मुख्य रूप से हुए। पहला पितृहंता माना जाता है मालदेव को। मालदेव ने अपने पिता गांगदेव की हत्या की, उन्हें मारवाड़ का पहला पितृहंता माना जाता है। और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता माना जाता है मखत सिंह को। और मखत सिंह ने मित्रों अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी, और यही जो है वो मखत सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है। तो दोनों पितृहंता एक साथ याद रखें आप। अगला प्रश्न मित्रों, क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताना है कि राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का जो कर्ण है वो उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? भैया बीकानेर का इतिहास हम पढ़ते हैं तो कर्ण उपनाम के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछे राजपुताने का कर्ण कौन है, आपसे पूछे कलयुग का कर्ण कौन है। तो मित्रों राजपुताने का जो कर्ण है वो माना जाता है राय सिंह। राजपुताने का कर्ण का जो उपनाम है वो राय सिंह का उपनाम है। मित्रों आपसे प्रश्न पूछ ले तो याद रखना राय सिंह इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कलयुग का कर्ण, मित्रों कलयुग का कर्ण जो है वो किसे कहा गया, ये उपनाम किसका है? तो मित्रों याद रखना आपको, कलयुग का कर्ण जो है वो लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपको बताना है, जूनागढ़ प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। और जूनागढ़ दुर्ग हम सभी जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। राजस्थान की पहली लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग में लगाई गई थी, और जूनागढ़ दुर्ग में ही स्थित है जूनागढ़ प्रशस्ति। और जूनागढ़ प्रशस्ति का जो निर्माण है मित्रों वो राय सिंह ने कराया था, इसलिए जूनागढ़ प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसके लेखन का कार्य जो है वो जयिता जैन ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण मोस्ट रहता है, बहुत बार पूछा जाता है, जयिता जैन राइटर का नाम याद रखें। और प्रशस्ति जो है इसको राय सिंह प्रशस्ति भी कहते हैं, और राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ कहे चाहे राय सिंह कहे, प्रशस्ति जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा राय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36। शेरशाह सूरी ने गिर सुमेल युद्ध के बाद जोधपुर दुर्ग का प्रबंधन किसे सौंपा था? हमने याद किया था दो नाम, शेरशाह सूरी का जो गिर सुमेल का युद्ध हुआ 1544, उसके बाद अपने दो प्रतिनिधि नियुक्त किए थे मित्रों, ईसा खां और खवास खां। तो यहाँ जो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिल रहा है खवास खां, ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताना है, आज कुफर का दरवाजा टूट गया, ये स्टेटमेंट औरंगजेब ने दिया था। और मारवाड़ के किस शासक के निधन पर ऐसा स्टेटमेंट औरंगजेब ने दिया? अजीत सिंह, दुर्गादास, जसवंत सिंह प्रथम या सवई जैसे? मित्रों इसका उत्तर याद रखना जो है जसवंत सिंह प्रथम जो है इनके निधन पर उन्होंने औरंगजेब ने ऐसा कहा कि आज कुफर यानी धर्म का दरवाजा टूट गया, ऐसा औरंगजेब ने कहा। क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताना है, दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पाया था? दयानंद सरस्वती आप सभी जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा इन्होंने, और काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इनके बारे में फैक्ट आप याद रखें। दयानंद सरस्वती जो है इस राजस्थान सबसे पहले कहाँ पर आए थे मित्रों, ऐसा आपसे पूछे तो जोधपुर में आए थे, उदयपुर में आए थे, करौली में आए थे, अजमेर में आए थे। तो राजस्थान में सबसे पहले मित्रों ये करौली में आए थे, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर करौली। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, 39वां प्रश्न, राजस्थान का ताजमहल जो है उपनाम से प्रसिद्ध जो है जसवंत थड़ा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र जो है सरदार सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मित्रों। जसवंत सिंह द्वारा जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इस प्रश्न का जो मित्रों करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सरदार सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कृष्णा कुमारी जो है वो कहाँ की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी विवाद हुआ जिसमें कृष्णा कुमारी की सगाई जो है
वो पहले मारवाड़ तय कर ली जाती है भीम सिंह के साथ, बाद में सगई मारवाड़ से छोड़ ली जाती है क्योंकि भीम सिंह का निधन हो जाता है, और वो सगई जो आमेर कर ली जाती है जगत सिंह के साथ, जिसका विरोध होता है, जहाँ जगत सिंह और मारवाड़ के शासक मालदेव जो मान सिंह पढ़ते हैं हम सभी, मान सिंह और जगत सिंह के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध भी होता है, गिंगोली का एकदम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही कृष्णा कुमारी है जिसके विवादित फैक्ट हम पढ़ते हैं कि कृष्णा कुमारी के पिता जो थे भीम सिंह मेवाड़ के थे, उन्होंने अपनी ही बेटी को जहर देकर मार दिया था अमीर का पिंडारी के कहने पर। वही कृष्णा कुमारी है, वो मूलतः कहाँ की थी तो आपको बताना है मेवाड़। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। 41वां प्रश्न, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस रचना में राजेंद्र कहा गया? राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, कर्मचंद्र वंशो, कीर्तन काव्य और वेली कृष्ण रुक्मणि। ऑप्शन सी जो है मित्रों इसका करेक्ट उत्तर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। करणी माता का मंदिर निर्माण किसने करवाया? करणी माता का मंदिर जो है मित्रों आप सभी जानते हैं कि बीकानेर में स्थित है, और करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की और चारण समाज की कुलदेवी भी माना जाता है, और यही करणी माता का जो मुख्य मंदिर देश में बीकानेर आप सभी जानते हैं, चूहा वाली देवी भी कहते हैं, डोकरी माता भी कहते हैं, दाडी वाली माता भी कहते हैं, और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी जो इन्होंने रखी थी मित्रों, सफ़ेद चूहों के दर्शन यहाँ शुभ माने जाते हैं इस मंदिर में। और इसी देशनौक की विशेषता आप ये भी याद कर सकते हैं मित्रों, देशनौक में करणी माता मंदिर में सावन भादो नामक दो कड़ाइयाँ रखी गई है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखें आप आराम से। तो करणी माता का जो मुख्य मंदिर है मित्रों वो किसने बनाया था ऐसा आपसे पूछा गया है, इसका उत्तर आप याद रखें करणी माता का जो है मंदिर बनाया करण सिंह से। आप फर्स्ट लेटर कॉमन याद कर लीजिए, क क ऐसे भी याद रख सकते हैं, करण सिंह करणी माता। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, गजनी नामक तोप किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, जूनागढ़ में है या बटनेर में? तो मित्रों गजनी नामक जो तोप है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मोहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम आप याद करते हैं तो मेहरानगढ़ की दो तोप का नाम याद रखें गजनी। गजनी के अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित अन्य तोपों के नाम भी आप याद रखें, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, ये सारी तोपें जो है वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। और गुब्बार नमक तोप जो पिछले पटवार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, गुब्बार तोप ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और व्याधि नामक तोप ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखें व्याधि नामक जो तोप है ये भी जो है मेहरानगढ़ में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रानीसर कुआ किस दुर्ग में स्थित है मित्रों? तो मेहरानगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, जूनागढ़ में है या बटनेर में? रानीसर कुआ मित्रों जो है वो जूनागढ़ में, रानीसर कुआ पूछा गया मित्रों। तो रानीसर और रामसर ये दो कुएं जो है वो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। और यहाँ आपसे मित्रों का रानीसर तालाब पूछा होता, अगर रानीसर तालाब पूछा होता कि रानीसर तालाब किस दुर्ग में स्थित है, तो रानीसर तालाब मित्रों होता मेहरानगढ़ में। अगर रानीसर तालाब होता तो मेहरानगढ़ होता, पर यहाँ पूछा गया है रानीसर कुआं, तो रानीसर कुआं मित्रों जो है वो होगा जूनागढ़ दुर्ग। अगले प्रश्न की बात चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 45, मारवाड़ क्षेत्र शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा? यहाँ जो आप याद रखें मित्रों, उदय सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल प्रभाव मारवाड़ क्षेत्र शैली पर पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, सारण के अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है मित्रों? सारण के अभिलेख से जो है एक जानकारी मिलती है, अभिलेख मिलता है जहाँ पर 5 रानियों को सती होते हुए दिखाया गया है और एक अभिलेख के अंदर, और वो अभिलेख जो है मित्रों वो सारण का अभिलेख पाली जिले में है, और यह राव चंद्र सेन की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। 47वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद सरस्वती किसके निमंत्रण पर जोधपुर आए थे? यहाँ मित्रों जसवंत सिंह प्रथम है या सरदार सिंह है या फिर कौन सा इसका करेक्ट उत्तर है आपको बताना है, सरदार सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय या प्रताप सिंह? मित्रों प्रताप सिंह के कहने पर, प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। पहली बार तो करौली आए थे मित्रों, पर जोधपुर किनके कहने पर आए थे? तो प्रताप सिंह के कहने पर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपको बताना है, मारवाड़ा परगनारी विगत ये ग्रंथ जो है वो किसने लिखा? ये मुणोत नैण सिंह की रचना है मित्रों, मुणोत नैण सिंह ने लिखा था, हम सब जानते हैं मारवाड़ का अबुल फजल या राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है इन्हें, नैण सिंह, नैण सिरी ख्यात,
नैन सीरी ख्यात भी आप याद कर सकते हैं, मारवाड़ रे परगना विगत भी आप याद कर सकते हैं, अगला प्रश्न वेली कृष्ण रुक्मणी नामक रचना जो है किस दुर्ग में रचित हुई, ये जो रचना है गागरो दुर्ग में लिखी गई थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी रचना डिंगल भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, निम्न में से किस नगर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई मित्रों, आखा तीज जो है वैशाख शुक्ल तृतीया जो है आखा तीज के दिन जो है बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी 1488 में, 1488 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी, आखा तीज के दिन हुई थी, राव बीकानेर की थी मित्रों। अगला प्रश्न आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपको बताना है, राव जयसिरो छंद ये रचना किसने लिखी, तो इसके जो उत्तर होगा करेक्ट बिट्टू सुजा ने है जो ग्रंथ लिखा है राव जयसिरो छंद। अगला प्रश्न जांगलधर बादशाह मित्रों, जांगलधर बादशाह उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, कल्याणमल है, राय सिंह है, गंगा सिंह है या कर्ण सिंह है, तो मित्रों याद रखना जांगलधर बादशाह उपनाम से जो है वो कर्ण सिंह फेमस है, कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह उपनाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ का वह शासक जिन्होंने नाथ संप्रदाय अपनाया, मित्रों मारवाड़ में हम पढ़ते हैं मान सिंह राठौड़ जिन्होंने अपना नाम चेंज करके माननाथ कर लिया था, आयस देवनाथ की प्रेरणा से इन्होंने नाथ संप्रदाय अपनाया था और महामंदिर पीठ का निर्माण भी जो है मान सिंह ने ही करवाया था, तो यही मान सिंह है जिनके समय नाथ संप्रदाय का प्रचलन बढ़ा मारवाड़ में। और आपसे पूछ ले कि नाथपंथी से संबंधित सर्वाधिक चित्र मारवाड़ चित्र शैली में किसके समय बनाए गए, वो भी मान सिंह के समय ही बनवाए गए। मान सिंह वही शासक है जिन्होंने EIC के साथ 1818 में सहायक संधि भी की थी, तो वही मान सिंह है जिन्होंने नाथ संप्रदाय अपनाया और अपना नाम मान सिंह से माननाथ कर लिया था, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपको बताना है, निम्न में से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक कौन थे, कल्याणमल थे, राय सिंह थे, गंगा सिंह थे या कर्ण सिंह थे, तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो शासक है उनका नाम याद करना है गंगा सिंह ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, रूठी रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, उमादेव जो है हम सभी जानते हैं, और रूठी रानी उमादेव जो है वो किसकी पुत्री है, तो लूणकर्ण बीकानेर के जो है सॉरी जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की जो पुत्री है मित्रों उमादे वही रूठी रानी है, लूणकर्ण इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 मित्रों, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को सिरोही में किसके संरक्षण में रखा, मुकुंददास, मोकम सिंह, पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव या इनमें से कोई, मित्रों जो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव इनके संरक्षण में अजीत सिंह को रखा गया था सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 57, मारवाड़ में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो मालदेव मित्रों मालदेव के शासनकाल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। वह राठौड़ शासक जो जलालुद्दीन खिलजी से संघर्ष करते हुए मारा गया, मित्रों वह राठौड़ शासक जो जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष करते हुए मारा गया, याद रखना है आस्थान जो है वो मारवाड़ का शासक है जो कि जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष करते हुए मारा गया। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, क्वेश्चन नंबर 59 जो आपको बताना है, वह राठौड़ शासक जिसे मंडोर दहेज में मिला, वीडियो कैसा लग रहा है अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक भी करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट जो प्रश्न आपको बताना है, राठौड़ शासक जिसे मंडोर दहेज में मिला, मित्रों मंडोर दहेज में जिसे मिला वह नाम आपको याद बताना है, राव सिया है, आस्थान है, राव चूड़ा है या रणमल है, तो मित्रों जो है यहाँ पर आप उत्तर याद रखें राव चूड़ा को जो है मंडोर दहेज में मिला, बाद में मंडोर को राजधानी बना दिया जाता है राठौड़ राजवंश की। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, मेवाड़ में राठौड़ों का सर्वाधिक प्रभाव किसके शासनकाल में हुआ, आप सभी जानते हैं जब मेवाड़ के अंदर पढ़ते हैं इतिहास तो मेवाड़ के जब मोकल जब राजा होते राणा लाखा का पुत्र है मोकल, हंसाबाई और लाखा का विवाह कर लिया जाता है, सशर्त विवाह करवाया जाता है, और जब रणमल जो क्या करता है कि जब मोकल राजा बनने के बाद सारा का सारा कार्यभार अपने हाथों में ले लेता है, और उस समय मेवाड़ पर सर्वाधिक बड़े बड़े पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति की जाती है, तो सर्वाधिक राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ पर किसके शासनकाल में पड़ा, तो रणमल जो है उसके नेतृत्व में राणा मोकल के समय पड़ा था मित्रों, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61,
अलंकार समुचय की रचना किसने लिखी? श्यामकर्ण ने लिखी, रामकर्ण ने लिखी, हरिवंश ने लिखी या विशन सिंह ने लिखी? तो मित्रों याद रखना, रामकर्ण ये रचना जो है वो रामकर्ण ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, बिछोड़ा का युद्ध 1857 की क्रांति हम पढ़ते हैं और वहाँ याद करते हैं बिछोड़ा का युद्ध कब हुआ मित्रों। तो याद रखना बिछोड़ा का जो युद्ध है वो आपको बताना है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी। तो मित्रों यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ, जहाँ मारवाड़ के और सेना, मारवाड़ की सेना साथ में उनके साथ अंग्रेजों की सेना और उधर अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना, और क्रांतिकारियों की सेना जीत जाती है और ये बिछोड़ा का युद्ध हुआ था ऐतिहासिक। तो मित्रों 8 सितंबर को हुआ था, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर। अंग्रेजी सरकार और जोधपुर राज्य के मध्य नमक की संधि जो कि 1870 में हुई थी मित्रों, ये किसके शासनकाल में हुई? नमक संधि कब हुई, 1870 में हुई थी और किन के काल में हुई थी, ये आपको बताना है। मान सिंह के काल में, तखत सिंह के काल में, जसवंत सिंह के द्वितीय या सरदार सिंह? तो मित्रों तखत सिंह के काल, याद रखना आप, तखत सिंह जो है इनके काल में ये नमक संधि हुई। ये तखत सिंह वही राजा है जिनके शासनकाल में मेहरानगढ़ दुर्ग जो है क्षतिग्रस्त होता है, इसके मरम्मत का कार्य भी करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64 जो है बताना आपको, यशवंत यशोभूषण नामक ग्रंथ किसने लिखा? केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, मुरारी दान बारहट या हनुमंत सिंह बारहट? मित्रों इसका जो उत्तर होगा वो मुरारी दान बारहट होगा। मुरारी दान बारहट ने ग्रंथ लिखा यशवंत यशोभूषण। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय तत्कालीन मारवाड़ के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह थे, उमेर सिंह थे, सुमेर सिंह थे या सरदार सिंह थे? तो मित्रों हनुमंत सिंह जो थे वो मारवाड़ के तत्कालीन शासक थे, जो उस समय तत्कालीन पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर ये राजस्थान में मिल जाता है। वैदक सागर और पूजा पद्धति नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है मित्रों, आपको बताना है। वैदक सागर और पूजा पद्धति नामक ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है? गंगा सिंह है, गजे सिंह है, राय सिंह है या जोरावर सिंह? तो मित्रों जो इसका उत्तर है वो जोरावर सिंह करेक्ट, याद रखना आप, जोरावर सिंह जो है वो इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, जोरावर सिंह ने ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट प्रश्न, माही मरातीब जो है की उपाधि अहमद शाह ने किस शासक को प्रदान की? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है मित्रों, ये उपाधि जो है गंगा सिंह को मिली, गज सिंह को मिली, सूरज सिंह को मिली या रतन सिंह को मिली? मित्रों जो इसका उत्तर होगा करेक्ट वो याद रखें, गज सिंह जो है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गज सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आपको बताना है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? सती प्रथा पर रोक किस बीकानेर के शासक ने लगाई? तो मित्रों याद रखना आप, सरदार सिंह जो थे वो बीकानेर के शासक थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो बताना है, छप्पनिया अकाल के समय तत्कालीन बीकानेर के शासक कौन थे? छप्पनिया अकाल के समय सरदार सिंह थे या गंगा सिंह थे, डूंगर सिंह थे या सूरज सिंह थे? छप्पनिया अकाल के समय जो मित्रों है करेक्ट उत्तर आप याद रखें, गंगा सिंह थे। गंगा सिंह के समय छप्पनिया अकाल पड़ा था और इसका करेक्ट उत्तर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70, बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक कौन थे? बीकानेर के राठौड़ वंश के जो अंतिम शासक थे मित्रों उनका नाम याद रखना है शार्दुल सिंह। ये शार्दुल सिंह बीकानेर जो थे वो राजस्थान एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले शासक यही थे शार्दुल सिंह बीकानेर। इनके समय ही जो है शार्दुल सिंह स्पोर्ट्स स्कूल, राजस्थान का पहला खेल स्कूल जो है खोला गया था बीकानेर में, और ये बीकानेर के अंतिम राठौड़ शासक रहे जिनका नाम याद रखें आप, शार्दुल सिंह बीकानेर। अगला प्रश्न मित्रों, क्वेश्चन नंबर 71, किशन सिंह की छतरी मित्रों कहाँ पर है? अजमेर में, पाली में, उदयपुर में, जोधपुर में? मित्रों याद रखें इनकी छतरी जो है वो अजमेर में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, बाहुविलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? बाहुविलास नामक ग्रंथ के जो लेखक आप याद रखें, स्वरूप सिंह है, मान सिंह है, राज सिंह है या सावन सिंह? सावन सिंह याद रखें आप, सावन सिंह जो है इन्होंने लिखा बाहुविलास। नेक्स्ट प्रश्न 73, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के साथ सहायक संधि करने वाले किशनगढ़ के शासक कौन थे? EIC के साथ सहायक संधि करने वाले शासक आप याद करते हैं तो मारवाड़ में EIC के साथ सहायक संधि करने वाले शासक थे मानसिंह, हम सभी जानते हैं। और यहाँ पूछा गया किशनगढ़ में EIC के साथ सहायक संधि किसने की? मित्रों बीडल सिंह ने की, कल्याण मल ने, कल्याण सिंह ने की, परखे सिंह ने की या शार्दुल सिंह ने की? तो मित्रों याद रखना आपको कल्याण सिंह।
किशनगढ़ के शासक है कल्याण सिंह जिन्होंने ईआईसी के साथ सहायक संधि की। 1857 की क्रांति के समय किशनगढ़ के तत्कालीन शासक कौन थे मित्रों? किशनगढ़ के जो तत्कालीन शासक कौन थे? बेड़त सिंह थे, कल्याण सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे या शार्दुल सिंह थे? तो मित्रों याद रखें आप यहां पर ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा, पृथ्वी सिंह जो है इनके समय 1857 की क्रांति हुई थी और ये किशनगढ़ के तत्कालीन शासक थे। क्वेश्चन नंबर 75 जो है आपको बताना है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान एकीकरण के समय किशनगढ़ के तत्कालीन शासक कौन थे? राजस्थान एकीकरण के समय मित्रों पूछा गया है तो आप याद रखें राजस्थान एकीकरण के समय जो थे वो सुमेर सिंह थे। ये सुमेर सिंह जो थे वो राजस्थान एकीकरण के समय किशनगढ़ के तत्कालीन शासक थे। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दुर्ग में हादसे की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग कमेटी का गठन किया गया? मित्रों ने अभी याद किया था शुरुआत में राठौड़ राजवंश की जो आराध्य देवी है चामुंडा माता मंदिर, इसका मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ में स्थित है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग के हादसे की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग गठित हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये हादसा 2008 में हुआ था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77। तुंगा का युद्ध कब हुआ मित्रों? तुंगा का युद्ध जो है वो 1787 1787। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर। बीकानेर राठौड़ा विख्यात, मित्रों बीकानेर राठौड़ा विख्यात आपसे पूछा गया है तो याद रखें बिट्टू सूजा है, लूणकर्ण है, राव भट्ट है या दयालदास। दयालदास जो राइटर है इन्होंने ग्रंथ लिखा बीकानेर राठौड़ा विख्यात। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बटनेर का नाम हनुमानगढ़ किसने बदला मित्रों? क्वेश्चन नंबर 79 आपको बताना है। सूरज सिंह ने बदला, स्वरूप सिंह ने बदला, अनूप सिंह ने बदला या कर्ण सिंह ने बदला? इसका जो मित्रों करेक्ट उत्तर होगा वो आप याद रखें सूरज सिंह। सूरज सिंह ने जो है वो बटनेर का नाम हनुमानगढ़ बदल दिया था। अगले प्रश्न की बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपको बताना है। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल इनका माना जाता है। बीकानेर चित्रशैली जो है इनका स्वर्ण काल किसका माना जाता है? सूरज सिंह, स्वरूप सिंह, अनूप सिंह या कर्ण सिंह? मित्रों अनूप सिंह। अनूप सिंह जो है अनूप प्रकाश पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया था और इनके समय स्वर्ण काल माना जाता है बीकानेर चित्रशैली का। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81 मित्रों। 81 जो है राज रतन बिहारी मंदिर स्थित है। राज रतन बिहारी जो है जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? तो मित्रों याद रखना है यहाँ पर बीकानेर में स्थित है राज रतन बिहारी मंदिर। राज रतन बिहारी मंदिर बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात, क्वेश्चन नंबर 82। जूनागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्वार मरम्मत का काम किसने करवाया? जूनागढ़ जो दुर्ग है इसका जो निर्माण तो आप सभी जानते हैं कि राय सिंह ने करवाया था और ये जूनागढ़ इसका जो मरम्मत का काम किसने करवाया? तो मित्रों याद रखें डूंगर सिंह ने करवाया था। ये डूंगर सिंह जो है इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग के मरम्मत का काम करवाया था। डूंगर सिंह का एक फैक्ट आप ये भी याद रखें कि डूंगर सिंह के शासनकाल में ही जो है बीकानेर में बिजली आई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83 बताना मित्रों। मारवाड़ में सामंत प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो मारवाड़ में जो सामंत प्रथा है इसका प्रारंभ राव चूड़ा ने किया था मित्रों। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84। शाहजहां ने महाराजा की उपाधि किसे दी? शाहजहां ने जो महाराजा की उपाधि दी वो दी थी मित्रों जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 85 मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आब हवा महल स्थित है पाली में, उदयपुर में, नागौर में या जयपुर में? तो आब हवा महल मित्रों जो है वो नागौर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। इतिहासकार श्यामल दास ने जहांगीर का नमूना, ये जो संज्ञा किसे दी? इतिहासकार श्यामल दास ने जहांगीर का नमूना किसे कहा? क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन विजय सिंह है, जसवंत सिंह है, स्वरूप सिंह है, भीम सिंह है? तो मित्रों विजय सिंह जो है इन्हें कहा गया जहांगीर का नमूना। श्यामल दास ने कहा विजय सिंह को जहांगीर का नमूना। इन्हीं के समय सर्वाधिक कृष्ण भक्ति का विकास हुआ था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई? बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना मित्रों कब हुई? बीकानेर में राठौड़ नगर की स्थापना पूछे तो 1488 है और बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना पूछी गई मित्रों तो 1465 में मित्रों। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 88। जूनागढ़ दुर्ग के बाहर हाथी पर सवार जैम्बल और पत्ता की मूर्तियां किसने लगवाई?
तो जूनागढ़ दुर्ग के बाहर ये जो मूर्तियाँ लगवाई वो राय सिंह ने लगवाई, हालांकि अकबर ने भी लगवाई थी आगरा किले के बाहर दोनों की मूर्तियाँ, बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दी थी, पर यहाँ पर जो मूर्तियाँ आज भी स्थित है इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो राय सिंह होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान की पहली लिफ्ट किस दुर्ग में लगी है? राजस्थान की पहली लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90, गणपति निवास महल, गणपति निवास महल जो है वो किस दुर्ग में स्थित है मित्रों? ये आप बताएं, बीकानेर का किला, बटनेर, मेहरानगढ़ या कुंभलगढ़? तो गणपति निवास महल जो मित्रों वो बीकानेर के किले में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 91 बताना मित्रों, ये जो है प्रजा प्रतिनिधि सभा, प्रजा प्रतिनिधि सभा जो है वो 1913 में स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना किसने की मित्रों? 91 जो क्वेश्चन है इसमें चार ऑप्शन है, गंगा सिंह बताना है, शार्दुल सिंह है, या सरदार सिंह है, या अनूप सिंह है। तो मित्रों इसका जो उत्तर है वो गंगा सिंह, ये जो स्थापना की वो गंगा सिंह ने की थी मित्रों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा गया? गंगा सिंह को कहा जाता है, शार्दुल सिंह, सरदार सिंह या अनूप सिंह? तो मित्रों जो गंगा सिंह है इन्हीं को ही आधुनिक जो है भारत का भागीरथ कहा जाता है, आधुनिक भारत का भागीरथ गंगा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जो है, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के तत्कालीन शासक कौन थे? क्रांति के समय जो बीकानेर के राजा पूछा गया मित्रों, गंगा सिंह थे, सरदार सिंह थे, शार्दुल सिंह थे या अनूप सिंह थे? तो मित्रों याद रखना सरदार सिंह जो थे उनके समय 1857 की क्रांति हुई, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर। राजस्थान में सर्वप्रथम बिजली सेवा प्रारंभ किसके शासनकाल में हुई? 1886 की घटना है, सर्वप्रथम बिजली प्रारंभ किसके शासनकाल में हुई? और तो हम सभी जानते हैं कि बीकानेर के जो शासक है डूंगर सिंह, इनके शासनकाल में सर्वप्रथम बिजली आती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95, मनोरथ मंजरी देहदशा नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो याद रख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 95 जो है इन ग्रंथों की रचना की थी सावन सिंह, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई? तो किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना मित्रों किशन सिंह ने की थी 1609 में, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किशनगढ़ नगर की स्थापना कब हुई? किशनगढ़ नगर की स्थापना पूछे मित्रों, तो याद रखना किशनगढ़ नगर की स्थापना जो है वो 1612 में हुई थी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, निम्न में से औरंगजेब के विरुद्ध सामूगढ़ के युद्ध में 1658 में लड़ते हुए वीर गति को कब प्राप्त हुए? तो मित्रों 1658 का जो है जो सामूगढ़ का युद्ध है, तो हम पढ़ते हैं कि जो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध पढ़ते हैं, संघर्ष पढ़ते हैं, उस समय इस युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वाला कौन है? मान सिंह है, स्वरूप सिंह है, या राज सिंह है, या कल्याण सिंह है? तो मित्रों जो आप याद रखें इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आप याद रखें स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे इस युद्ध में, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, आधुनिक साइकिल पोलो खेल का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक साइकिल जो खेल है इसका जो इसका जनक किसे माना जाता है? सुमेर सिंह, शार्दुल सिंह, पृथ्वी सिंह या मदन सिंह? मित्रों इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो है सुमेर सिंह को इसका जो है जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ का गुड़ला उत्सव कब मनाया जाता है मित्रों? मारवाड़ का गुड़ला उत्सव जो है ये प्रतिवर्ष गुड़ला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, इसे गुड़ला अष्टमी भी कहते हैं, गुड़ला उत्सव भी कहते हैं, जिस दिन गुड़ला गीत गाया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है। और ये जो प्रारंभ हुआ ये पूरी घटना हम पढ़ते हैं मारवाड़ का गुड़ला महोत्सव, ये सभी आप याद रखें, इसका जो ऑप्शन है चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। मित्रों इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी जो है इसी दिन गुड़ला अष्टमी भी मनाई जाती है, और ये फैक्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो ये मित्रों 100 प्रश्न थे जो आज हमने डिस्कस किए, एक प्रश्न और आप सबके लिए, ये 100 प्रश्न टॉप 100 प्रश्न हमने डिस्कस किए, उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और अगला प्रश्न जो है वो आप सभी जानते हैं कि सरल से है, आप याद कर सकते हैं आराम से, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये PDF आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के पूरे 100 प्रश्न तो आपने पढ़ लिए, पर इन 100 प्रश्नों को देखने के बाद एक प्रश्न होमवर्क आपको बताना है मित्रों, ये 101 का प्रश्न जो है ये अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आज का आपका होमवर्क है,
इसका जो करेक्ट उत्तर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये लास्ट प्रश्न इसलिए मैंने छोड़ा है ताकि आप वीडियो पूरा देखते हैं या नहीं देखते हैं, देख पाते हैं पूरा वीडियो तो इसका ओरिजिनल उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। और हालांकि पिन करके कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट उत्तर मैं बता दूंगा दो दिन बाद, पर इसका करेक्ट उत्तर आप बताएं कमेंट बॉक्स में लिखें। जहांगीर ने रण रावत और फौज श्रृंगार नामक हाथी किसे भेंट किए? सूर सिंह, गज सिंह, उदय सिंह, अमर सिंह, ये चार ऑप्शन जो आपको बताना है, ये आपके होमवर्क है मित्रों। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।